सवाल मैं पढ़वाऊंगा तेरे से, 40 तक मैं सवाल पूरा पढ़ूंगा। IFRS 9 निकालें जी, IFRS 9। अच्छा मुझे असल में लग रहा है IFRS 9 आपके ऊपर इसका चढ़ा हुआ है, तो जब चढ़ा हुआ है तो उसको साथ साथ ही कर लें। ना 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 ना, यूट्यूब कोई नहीं, ये मैंने अब नया तरीका निकाला है। ये कल मैं आपके फ्यूचर के बारे में सोच रहा था, तब मैंने ये सोचा था। क्वेश्चन नंबर 5 पास पेपर का, पेज नंबर 436। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ डिटरमिंड लिमिटेड। यस वी आर डिटरमिंड, वी कैन सिट फॉर इवन 12 वॉज। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ डिटरमिंड लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2021। आज होमवर्क शोमवर्क तो कोई नहीं है ना, आज तो चिल प्रोग्राम है। कोई इक्का दुक्का सवाल आपको मैं बता देता हूं होमवर्क में। शो द फॉलोइंग अमाउंट्स, टोटल एसेट्स हैं, टोटल लाइबिलिटीज हैं और नेट प्रॉफिट है। ये ना कोई एरर लिखी हुई है, ये एरर लिखी हुई है कोई, मैं पहले एरर को इग्नोर कर रहा हूं और ओरिजिनल सवाल पढ़ रहा हूं। On 1 February 2021, टाइम तो पूरा होने देना। On 1 February 2021, डीएल परचेज 40,000 शेयर, लेक्चर 1 या लेक्चर 2, 3 या 4, 5? लेक्चर 1, परचेज शेयर्स। On 1 February 2021, डीएल परचेज शेयर्स, आसान सवाल आप महसूस हो रहे ना, परचेज शेयर्स ऑफ जेएल, किसी के शेयर खरीदे, रिप्रेजेंटिंग 15% शेयर होल्डिंग्स। कितने परसेंट शेयर खरीद लिए? 15%। और आपको पता है शेयर जो परचेज करते हैं वो 40,000 × 80 परचेज प्राइस पर रिकॉर्ड करते हैं। ईयर एंड के ऊपर नहीं बल्कि उससे पहले जेएल ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया, ₹5 पर शेयर, डिविडेंड को इनकम में ले जाएंगे। जेएल रिपोर्टेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 2.4 मिलियन। नेट प्रॉफिट का कुछ नहीं करना होता, हमने तो डिविडेंड देखना होता ना। द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर वॉज 70 ऑन 31 December 2021। अच्छा अब आप मुझे बता दें, FVTPL पे लेके जाना है, FVTOCI पे लेके जाना है, सवाल नहीं बता रहा। तो डिफॉल्ट कैटेगरी, ये भी नहीं बता रहा शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग टर्म के लिए, ऐसा कुछ नहीं बता रहा। तो बाय डिफॉल्ट कौन सी कैटेगरी? बोले कहीं लाइन में लिखा ना ऊपर क्लास फॉर यूजिंग, नहीं बिल्कुल नहीं, ऊपर लाइन में कुछ नहीं लिखा हुआ। आप बताते हैं ये डिफॉल्ट कैटेगरी कौन सी है? FVTPL को भी मैं रिवाइज कराऊंगा, रिवाइज करा के फिर मैं टी अकाउंट आपसे बनवाऊंगा। अगला पढ़ें। On 1 July 2021, DL issued bonds, लेक्चर नंबर 4 और 5, 2 और 3 नहीं, 4 और 5, इशूड बॉन्ड्स 6,000, क्या है क्वांटिटी ऑफ ₹1,000, ऑफ ₹1,000 एट ₹50 ईच डिस्काउंट। तो 1,000 से मल्टीप्लाई करूंगा 6,000 को तो फेस वैल्यू आ जाएगी, और 950 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इश्यू प्राइस आ जाएगी विद मैच्योरिटी इन 5 years। फेस वैल्यू 6,000 × 1,000 और इशू प्राइस 6,000 × 950। डन। द ट्रांजेक्शन कॉस्ट एसोसिएटेड विद द इश्यूएंस ऑफ दीस बॉन्ड्स वर ₹20 पर बॉन्ड। इसको 20 को 6,000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे जैसे हमने किया था। द कूपन इंटरेस्ट रेट इज 11% पर एनम, पेबल ऑन, हमारा ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर। तो बता दें अगर हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर है तो बता दें क्या 6 महीने इंटरेस्ट सेमी एनुअली पे नहीं हो रहा? इंटरेस्ट एक ही दफा पे होने ऑन 30 जून, और हमने इशू कब किए हैं? 1 जुलाई। तो बीच में मिड ऑफ ईयर आ जाएगा। इसको इंशाल्लाह लीज की तरह मैं बता दूंगा क्या करना है, इसकी टेंशन नहीं है। द अप्रोक्सीमेट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज, बॉन्ड्स आर सब्सिक्वेंटली मेजर्ड एट, बॉन्ड्स गलती से हमने किस पे, सॉरी गलती से नहीं माजरत, बॉन्ड्स किस पे रखने हैं? अमोर्टाइज कॉस्ट पे। तो शेयर्स किस पे रखने हैं? और बॉन्ड्स अमोर्टाइज कॉस्ट पे। ठीक है, अब ये जो पट्टी के पीछे छुपी हुई है ये क्या है? गलती है। पहले सही वाली चीजें कर लें या गलती पढ़ लें? पहले सही वाली चीजें कर लेते हैं। ठीक है जी, अब जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। किधर है डस्टर?
यार अब पता नहीं, ये सवाल मैं पहली दफा करा रहा हूँ, पिछली दफा नहीं कराया, वरना बता देता कितना टाइम लगेगा। बहरहाल यानी कि 1:05 पे मैंने चले जाना है क्योंकि नमाज पढ़नी है, फिर अगली क्लास है 1:05-7 तक बस हम करेंगे। हो गया हो गया, नहीं हुआ तो अधूरा छोड़ के फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। जी मोहतरम, वर्किंग नंबर 1, शेयर, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। डीएल परचेज 40,000 शेयर्स रिप्रेजेंटिंग 15% शेयर होल्डिंग, इस बात को छोड़ें, एट ₹80 पर शेयर। जी मोहतरम, 40,000 × 18 3200 रुपीज इन 1000 में करवा रहे हो, चलो ठीक है आपकी मान लेते हैं, रुपीज इन 1000। ऑन 30 सितंबर जेएल अनाउंस्ड इंटरिम कैश डिविडेंड ऑफ ₹5 पर शेयर। ओरिजिनल एंट्रीज, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट 3200। जी डिविडेंड की एंट्री किसी को याद हो, कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट। वी परचेज 40,000 शेयर, हर शेयर पे मुझे ₹5 मिले हैं, तो डिविडेंड कैसे निकलेगा, 40,000 × 5, 40,000 शेयर जरब ₹5, 200। P&L में कितना जाएगा, 200। जीयर एंड पे शेयर ₹80 का या ₹70 का हो गया, तो फायदा हो गया नुकसान हो गया, अगर ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती तो एक्सपेंसेस में डालते, ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो सवाल में है नहीं। जी बोले भाई, 31 दिसंबर 2021 कैरी डाउन 40,000 × 2,250 गेन लॉस, सॉल्यूशन में टी कौन नहीं बनाया हुआ मैंने, माजरत। एंट्री टाइम P&L डेबिट 400, ये मेरी ओरिजिनल एंट्रीज होगी। इन तीनों चीजों को जरा मैं देखा हूं, शेयर खरीदे हैं भाई, शेयर खरीदे हैं तो परचेज प्राइस पे रिकॉर्ड करने होते हैं या फेस वैल्यू पे, परचेज प्राइस पे, परचेज प्राइस ₹80 थी, ट्रांजेक्शन सॉरी इधर इधर में हाँ, और पी एंड ट्रांजेक्शन का एक्सपेंस में डाल थी, डिविडेंड इनकम P&L में और गेन लॉस भी, डिविडेंड इनकम कहाँ डाल दी, P&L में और गेन लॉस भी P&L में, समझ आ गया ये, ओके गलती। डीएल हैज क्लासिफाइड इन्वेस्टमेंट इन जुबिलेंट लिमिटेड एज एन इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, इसको हमने समझ लिया इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। वर्किंग 7, वर्किंग 7, अब हमारी नजर उसके प्रॉफिट्स पे होगी, आपको पता है अब हमारी नजर उसके प्रॉफिट्स पे होगी। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट ऐसे होती थी, एट कॉस्ट और क्लोजिंग माइनस प्री, क्लोजिंग माइनस प्री पोस्ट आरई,
लेकिन मैंने आपको कहा था कि क्लोजिंग यार ना करना, दो तूने अपने दरबार खोला इधर एक, तो क्लोजिंग माइनस प्री क्या आती थी? पोस्ट। लेकिन मैंने कहा था कि अगर क्लोजिंग माइनस प्री का डाटा अवेलेबल ना हो तो इधर प्रॉफिट लिख लें और इधर डिविडेंड लिख लें, ये याद आ रहा है, और कैरी डाउन हमारा आ जाएगा। डन। डीएल हैज क्लासिफाइड इन्वेस्टमेंट इन जुबिलेंट एज एन इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, ऊपर लिखें वर्किंग 7 एंड अकाउंटेड फॉर यूजिंग इक्विटी मेथड। यार परसों तरसों मैंने आपको एक्स्ट्रा क्लास में बताया, बल्कि मेन क्लास में बताया था कि ये जो वर्किंग 7 होती है इसे कौन सा मेथड कहते हैं? इक्विटी मेथड, यानी हमारी उसकी इक्विटी पे नजर होती है। डिस्पाइट हैविंग नो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, हमारा कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं था, यानी 20% से ऊपर हमने शेयर नहीं खरीदे हुए थे, फिर भी हमने क्या समझ लिया इसे अपना एसोसिएट, हालांकि हमारा इन्फ्लुएंस नहीं है, तो हमारा कोई इन्फ्लुएंस नहीं था और फिर भी हमने एसोसिएट वाली अकाउंटिंग कर ली। डन। अब इसको वर्किंग 7 के एंगल से पढ़ना शुरू करें कि किया क्या उसने, मुझे पता तो चले किया क्या, कैसे मुझे पता चल रहा है? इन्वेस्टमेंट इज क्लासिफाइड एज एसोसिएट, तो अब मुझे रॉन्ग एंट्रीज करनी पड़ेंगी, सारी रॉन्ग एंट्रीज खोलनी पड़ेंगी। ऑन अकाउंट फरवरी डीएल परचेज 40,000 शेयर्स एट ₹80 पर शेयर, तो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट की जी वही 3200। आगे पढ़ें। ऑन 30 सितंबर जेआर अनाउंस डिविडेंड ऑफ 5 पर शेयर, इस फिगर को मैं अभी निकालता हूं। जेएल रिपोर्टेड प्रॉफिट ऑफ 2.4 फॉर द ईयर, ये उसने प्रॉफिट अनाउंस किया या उसमें मेरा हिस्सा है? सोचे सोचे, जेएल अनाउंस प्रॉफिट ऑफ 2.4, उसने प्रॉफिट अनाउंस किया या उसमें मेरा हिस्सा है? उसने अनाउंस किया। क्या जो उसने प्रॉफिट अनाउंस किया है, आपने एसोसिएट का चैप्टर पढ़ा हुआ है, क्या इसका जो है वो पूरा मेरा है या यकम फरवरी से 31 दिसंबर तक मेरा है? क्लोजिंग माइनस प्री का डाटा अवेलेबल है या पोस्ट मेरा है? पोस्ट कितने महीने बन रहे हैं जल्दी बताएं, क्या क्लोजिंग माइनस प्री मेरा है? हाँ, ये भी एक बात करने का तरीका है। क्या पोस्ट मेरा है? हाँ, ये भी एक बात करने का तरीका है। अच्छा, पोस्ट मेरा सारा है या पोस्ट मेरा 15% है? 15%। तो प्रॉफिट पोस्ट, पोस्ट 11 महीने का होगा ना, 12 का तो नहीं होगा जी, बोले 2.4 इंटू, लेकिन इसमें से मेरा कितना है? 15% 0.3, वो कितना आ जाएगा फिर? इसको इस तरह कर लेना आपने, जैसे 24 लाख लिख लें, 24 लाख लिख के एंड पे डिवाइड कर जाएगा 330। ये वर्किंग नहीं हुई हुई सॉल्यूशन में, शायद वर्किंग 7 भी डन हो गया। अच्छा यार, असल में ये वो है जो मेरा बनता है और ये 200 वो है जो मैंने दरख से उतार लिया है, ये वो है जो मैंने दरख से उतार लिया है, तो डिविडेंड को हम रिसीव करेंगे, इससे हमारा कैश बढ़ जाएगा और इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाएंगी। जरा बात समझने की कोशिश कीजिएगा, कैसे? उसने मुझे कमा के कितना दिया? 330। तो मैंने एंट्री की इन्वेस्टमेंट, अच्छा जिस तरह इंटरेस्ट में नहीं करते थे, इंटरेस्ट डिबेंचर्स वगैरह में, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, फिर उसमें से कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर क्रेडिट एंट्री करते थे, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट और कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, तो डिविडेंड प्रॉफिट में से दिया जाता है या कोई और चीज होती है? मेरा बनता कितना है वर्किंग 7 के मुताबिक? 330। उसमें से जितना आ गया वो कैश डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, तो कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट बोले जी, क्योंकि कैश की एंट्री अकाउंटेंट नहीं भूलता, कैश तो उसने डेबिट किया होगा लेकिन क्रेडिट क्या की होगी? इन्वेस्टमेंट। अब मेरी बड़ी नजर है, बड़ी सोच है, छोटी सोच क्या है? खाली 200 को पीएनएल में लेके जाएं। बड़ी सोच जल्दी जल्दी बताएं, छोटी सोच खाली 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 डिविडेंड को जो है वो पीएनएल में लेके जाएं, बड़ी सोच क्लियर? कैरी डाउन बता दें 3330। क्लियर। अच्छा एक छोटी सी बात यहां कर दूं, कंसोलिडेशन में ना, कंसोलिडेशन में
मैंने आपको ये बताया था 330 और 200 को काटना है और काट के आपने सीआरई में ले जाना है, याद आ रहा है? कंसोलिडेशन में ये करना है, और कंसोलिडेशन के अलावा और किसी टॉपिक में आ जाए तो फिर किसी और एंगल से सोचना है आपने। इतना मेरा बना, इतना मिला, सर इस पर क्यों नहीं परसेंटेज लगाई? यार वो ऑलरेडी मैंने 40,000 मेरे शेयर पकड़ गई, 5 रुपये लगा दिया हुआ, तो ऑलरेडी ये वही है जो मुझे मिला, तो इसलिए इस पर मुझे परसेंटेज लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्लियर? तो अब मेरा सवाल मुकम्मल हुआ, डिबेंचर इंशाल्लाह कल करेंगे, इसकी मुझे रॉन्ग एंट्री करा दें, इसकी रॉन्ग एंट्री करा दें, कराएं इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, अमाउंट बोलें 3200। बड़ी सोच है, प्रॉफिट्स पे नजर रखना, बोलें इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट या इन्वेस्टमेंट डेबिट और P&L क्रेडिट कितना 330। अब मैं डबल बुक कर सकता हूं P&L में डिविडेंड को? डबल बुक तो नहीं हो सकता, वो तो उसी में से 200 मिला ना। अब क्या एंट्री? कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कितने से? 200। और इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट में गेन पे नजर नहीं रखते कि ईयर एंड पे मेरे शेयर कितने के हो गए, तो इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट पे गेन पे नजर नहीं रखते, तो ईयर एंड गेन लॉस निकालने की जरूरत नहीं है। डन हो गया, गेन पे नजर रख रहे हैं या उसके प्रॉफिट्स पे? गेन पे नजर रखने का मतलब है मार्केट में कितनी वर्थ है उसकी, और प्रॉफिट्स पे नजर रखने का मतलब है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कितनी जान है। अब इन दोनों को सामने रखते हुए आपके अंदर यह स्किल पैदा हो चुकी है कि आप अनएडजस्टेड फिगर्स को एडजस्ट कर दें। नहीं, मैं नहीं मानता, मैं तजर्बा करूंगा आपके, पहले अनएडजस्टेड फिगर्स बोलें जी, एसेट्स बोलें अनएडजस्टेड 4,350 और बोलें लायबिलिटीज 12,300 4,573। ट्राई करें वन बाय वन, एसेट्स पर, लाइबिलिटीज पर और प्रॉफिट पर फर्क बताएं। रेक्टिफाइंग एंट्री करेंगे या ओरिजिनल रॉन्ग रख के ही सोच लें? रेक्टिफाइंग एंट्री करेंगे या ओरिजिनल रॉन्ग रख के ही सोच लें? यार थोड़ा सा ना एक स्किल अपने अंदर पैदा करें, एक स्किल अपने अंदर पैदा करें, कैश डेबिट होना चाहिए था, हो गया, कैश क्रेडिट होना चाहिए था, हो गया, बस बस। इन्वेस्टमेंट 2800 से डेबिट होनी चाहिए थी, ये स्किल पैदा करें अपने अंदर, इन्वेस्टमेंट 2800 से डेबिट होनी चाहिए थी। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? ये स्किल अपने अंदर पैदा करें, ये उससे बड़ी स्किल है जो सवाल में करा रहा हूं। इन्वेस्टमेंट 2800 से अगर आपको तंग कर रही हैं तो मैं ब्लू मार्कर या रेड मार्कर यूज कर देता हूं। उधर आवाज नहीं आ रही। अपने अंदर एक स्किल पैदा करें, इन्वेस्टमेंट कितने से डेबिट होनी चाहिए थी? 2800 से। तो ऐसे ही मैं अपने समझने के लिए इन्वेस्टमेंट डेबिट 2800, इन्वेस्टमेंट डेबिट 2800 से होनी चाहिए, लेकिन मैंने कितने से कर दी? जमा 3200, जमा 330 माइनस 200, ट्रिपल 300। अब मुझे बता दें कितने पे इन्वेस्टमेंट डेबिट होनी चाहिए थी और मैंने कितने से कर दी? डिफरेंस बताएं 530। 530 से मैं एसेट्स को क्या कर दूं? कम कर दूं। 530 से एसेट्स को कम कर दूं। क्लियर? ओके अच्छा, अब एक काम करवाएं मुझे, इन्वेस्टमेंट 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 कटवा दें, पीछे क्या बच गया? P&L कितने से रिकॉर्ड होना चाहिए था? 200 से। क्या होना चाहिए था? P&L क्रेडिट। और P&L डेबिट कितने से होना चाहिए था? कितना नुकसान बुक होना चाहिए था? लॉस 200 का बुक होना चाहिए था। हमने इनकम कितनी बुक कर ली?
330 की, अब बता दें 200 को 330 पे लेके जाना है या 330 को 200 पे लाना है। अब मैंने आपको बताया हुआ है अगर खुशी को गम में लाना है तो फिर 330 को पहले जीरो पे लाएंगे और फिर और नीचे लाएंगे, यानी डायग्राम कोई बनेगी तो 330 को मैं माइनस 200 पे लेके जाना चाह रहा हूं, तो फिर 330 जमा 200 करेंगे टोटल 530 का क्या आया? लॉस आया 530 का, डबल एंट्री तो टैली कर गया, 530 का लॉस आया। क्लियर? ये स्किल आज कितने लोगों में जरा अच्छी डेवलप हो गई है। तो ओरिजिनल रॉन्ग को देखा करें, रेक्टिफाइंग अगर करने बैठ गए ना पेपर में तो बैठ ही जाएंगे फिर आप, फिर बहुत ज्यादा टाइम आपका लग जाया करेगा रेक्टिफाइंग एंट्री करने के अंदर, तो रेक्टिफाइंग एंट्री करना अवॉइड करें। यहां पर खड़े होकर मैं एक चीज आपको थोड़ी सी याद कराना चाहता हूं, जिस वजह से मैंने अगला सवाल नहीं कराया। अच्छा, अगले की ओरिजिनल तो आप कर लेंगे ना खुद ही, अगले की रॉन्ग फिर किसी दिन देखेंगे। अगले की रॉन्ग में एक दो हल्का फुल्का मसला है वो मैं आपको बता दूंगा। ओरिजिनल भी छोड़े पड़े, ओरिजिनल छोड़े पड़े, अगले को छोड़े, उधार रहा फिर कभी अगस्त में कर लेंगे या कल टाइम मिला तो कल कर लेंगे। कल शायद, कल जुमा भी है तो शायद अगला कर लें, और साथ जो है वो एक सवाल पास करोगे, क्वेश्चन टू रह जाएगा। टू तो एक डब्बा बना हुआ है, टू ट्राई करेंगे वैसे होमवर्क में, टू एक डब्बा सा बना हुआ है, टू ट्राई कर लीजिएगा आज होमवर्क में, क्वेश्चन टू आज होमवर्क में ट्राई कर लीजिएगा, ये डब्बा सा बना हुआ है, वो डब्बे में पूछा हुआ है सही चीज़ें क्या गलत चीज़ें क्या हैं। अच्छा, मैं ये बात करना चाह रहा था यार कि मैंने आपको ये एंट्रीज करवाई हुई हैं, मैंने आपको ये एंट्रीज करवाई हुई हैं, IAS 28 पेज नंबर, जल्दी बताएं इधर ढूंढो IAS 28 पेज नंबर 162, पेज नंबर 162, पेज नंबर 162 KL परचेज 30% शेयर एट अ कॉस्ट ऑफ 30 मिलियन, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, इक्विटी मेथड, HL प्रॉफिट इज 10 मिलियन। बड़ी सोच क्या, किस पे नजर रखें? बड़ी सोच क्या, किस पे नजर रखें? प्रॉफिट, प्रॉफिट सारा हमारा, या इस सवाल में 30% लगाना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट डेबिट P&L क्रेडिट, ये एंट्रीज मैंने आपको करवाई नहीं है, भूली हुई थी। इन्वेस्टमेंट डेबिट P&L क्रेडिट, और अब अगर डिविडेंड मुझे मिल रहा है 4 का, तो 4 का ये सबका डिविडेंड है ना, तो मुझे इसमें 30% मिलेगा, तो क्या ये उसी प्रॉफिट में से मिले या कोई एक्स्ट्रा चीज मिली है? अगर उसी प्रॉफिट में से मिले तो क्या अब मैं कैश डेबिट इनकम क्रेडिट दोबारा करूं या कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कर दूं? बोले बोले बोले, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कर दूं। तो ये आखिरी एंट्री डिविडेंड की, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। तो बड़ी सोच क्या है कि खाली डिविडेंड पे नजर रखूं या प्रॉफिट्स पे नजर रखूं? प्रॉफिट्स पे नजर रखूं, प्रॉफिट्स को अपना बनाऊं, फिर जो डिविडेंड मिलेगा उसे दोबारा इनकम में डालूं, या वही जो इन्वेस्टमेंट डेबिट की हुई है वही इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कर दूं? तो शायद 330 मैंगोज लगे थे दरख्त पे, उसमें से मैंने 200 उतार लिए हैं डेबिट क्रेडिट, बाकी फिर कभी उतार लेंगे, बाकी फिर कभी उतार लेंगे। क्लियर हो गया? तो अब एंट्रीज बता दें इक्विटी अकाउंटिंग में वर्किंग 7 में, अगर टी अकाउंट पेपर में बनाना पड़ जाए, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, आगे बोले इन्वेस्टमेंट डेबिट P&L क्रेडिट, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, ये आम लगे, ये आम उतारे, और ये कैरी डाउन। ये जो मेथड है IFRS 9 वाला, इसमें फेयर वैल्यू पे नजर रखेंगे और प्रॉफिट्स पे नजर नहीं रखेंगे, छोटी सोच डिविडेंड सिर्फ। ये जो मेथड है इसमें फेयर वैल्यू पे नजर, बल्कि उसके प्रॉफिट्स पे नजर रखेंगे, और अगर डिविडेंड आ गया बीच में तो कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। तस्वीर खींच लें।
अब होमवर्क में कौन सा सवाल हो गया? क्वेश्चन टू, बस पास पेपर का क्वेश्चन नंबर टू।